सत श्री अकाल खबरां दे इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमिंदर संधु बुलेटिन की शुरुआत करदे हां सुरखियां दे नाल। मुख सकत्तर ते कांग्रेस दे मंत्रियों दे दरमियान चल रहा विवाद होया खत्म। मुख सकत्तर करन अवतार सिंह ने पंजाब मंत्री मंडल की मीटिंग च मंगी माफी। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने जानकारी की सांझी। लॉकडाउन के कारण भारत च फसे पाकिस्तानी नागरिकों की हुई वतन वापसी। अटारी वाघा सरहद राही पाकिस्तान परते पाकिस्तानी नागरिक। वापस जाने तो पहला भारत सरकार का किया धन्यवाद। पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ ने समूह देशवासियों को की अपील। कहा कल सवेरे 11 बजे तो लैके दोपहर 1 बजे तक सोशल मीडिया राही केंद्र सरकार तक पहुँचाई जाए आवाज़। गरीब और जरूरतमंद लोगों के खातों च 10,000 रुपए पवाए केंद्र सरकार। तो हुण खबरां विस्तार नाल। मुख सकत्तर ते कांग्रेस दे मंत्रियों दे दरमियान चल रहा विवाद अज खत्म हो गया है। इस मामले च मुख सकत्तर करन अवतार सिंह ने माफ़ी मंग ली है। पंजाब दे वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने जानकारी सांझी करदिआं दस्सिआ कि पंजाब मंत्री मंडल की मीटिंग च मुख सकत्तर करन अवतार सिंह ने माफ़ी मंगी है अते कहा कि उह अगे तो शिकायत का मौका नहीं देणगे। पंजाब दी कैबिनेट दी मीटिंग पंजाब सिविल सकत्तर च होई और काफ़ी समय बाद सीएम साहब खुद मतलब पहला तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ते हुंदी सी और क्योंकि थोड़ा जा ये जिहड़ी बीमारी है ये अपना दम तोड़ रही है तो अज सारयां दी रूबरू मीटिंग हुई। पंजाब दी कैबिनेट दा एजेंडा तो काफ़ी तफसील सीगा पर एक जिहड़ा कि एक मसला या एक मुद्दा पिछले 3 हफ्तों तो अखबारां दी सुर्खियां दी जीनत बनिया होया सी वो चीफ सैक्रटरी साहब का मसला सी और जिहड़ा कैबिनेट ने ये यूनैनिमस फैसला किया कि कोई भी कैबिनेट का मंत्री उन्हां दी हाजरी च मीटिंग नहीं करेगा। तो मीटिंग जो शुरू हुई तो कैबिनेट चीफ सैक्रटरी साहब उत्थे हाजिर होए और उन्होंने बकायदा सारी कैबिनेट तो जो उन्हां दा अंदाजे गुफ्तगू सी जो उन्हां दी बॉडी लैंग्वेज सी जो उन्हां दा बयानिया सी उस दिन उहदी उन्होंने सारे कैबिनेट तो माफ़ी मंगी और आइंदा जिहड़ा कि मैं समझदा कि वह कहिंदे सी कि मैं तुहानू सारी कैबिनेट नू शिकायत दा मौका नहीं दूंगा। मैं ये भी दसदा जावां कि यह तीसरी मरतबा है कि चीफ सैकटरी ने एक दिन तो जिस दिन ये वाकया होया उन्होंने उस दिन भी मैथों परसनली माफ़ी मंगी सी। फिर जिस दिन मेरे फादर की डैथ हुई तो अगले दिन उन्होंने बादल पिंड आके जो असी उत्थे उन्होंने दरी ते बैठे सी उत्थे भी माफ़ी मंगी और ये तीसरी मरतबा उन्होंने फिर कैबिनेट तो माफ़ी मंगी और फिर सारी कैबिनेट की भी यह राय सी कि ना तो असी कोई फरिश्ते हैं और इंसान जिहड़ा है वो तो गलती हो जाती है इंसान गलती का पुतला है और 3 बारी जो कोई माफ़ी मंगे और उस कोई माफ़ ना करे तो मैं समझदा ये हंकार होगा ये गरूर होगा तकबर होगा। जे परमात्मा एक चीज़ ना पसंद करता इंसान तो हंकार जड़ी है जिस बंदे हंकार हो अज यूनैनिमसली कैबिनेट ने उस जो उस दिन का रवैया से नज़रअंदाज करता है। लॉकडाउन के कारण भारत च फसे पाकिस्तानी नागरिक अज अटारी वाघा सरहद राही पाकिस्तान परत गए। पाकिस्तान जाने वाले 179 के करीब पाकिस्तानी नागरिकों ने भारत सरकार का धन्यवाद किया। पेश है रिपोर्ट। पाकिस्तान तो भारत आए पाकिस्तानी नागरिक जो लॉकडाउन के कारण भारत च फस गए सन अज 179 पाकिस्तानी नागरिकों की अटारी वाघा कौमांतरी सरहद राही वतन वापसी हुई। ये पाकिस्तानी नागरिक भारत च अपने रिश्तेदारों नूं मिलन लिए आए सन। वतन वापसी ते उन्हां खुशी का इजहार करदिआं कहा कि भारत च उन्हां ने जिन्ना समा बिताया उन्हां नूं किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पिया। हम आए थे 19 फरवरी को हमने बॉर्डर क्रॉस किया था। 21 फरवरी को मेरी वहाँ आमद थी और मेरा ससुराल है यहाँ। अपने ससुराल मेरी सास की तबीयत काफ़ी शदीद नासाज थी तो उनको देखने के लिए आए थे। बस लॉकडाउन की वजह से कोरोना की वजह से हम फंस गए यहाँ पे। आए थे 45 डेज के लिए लेकिन 3 मंथ अब हो चुका है यहाँ पे और हम बहुत परेशान थे। उस वजह से परेशान नहीं थे कि यहाँ पे यहाँ कोई दुश्वारी थी कोई परेशानी थी कोई ऐसी परेशानी नहीं थी लेकिन तारे 2 बच्चे हम वहाँ छोड़ कर आए थे
बच्चे वहाँ परेशान, दो बच्चे मेरे वहाँ परेशान हो रहे थे। सिर्फ परेशानी वहाँ की थी कि बच्चे मेरे वहाँ अकेले हैं, परेशान हैं, बाकी यहाँ कोई परेशानी थी। मैंने अपने हाई कमीशन पाकिस्तान एम्बेसी से रिक्वेस्ट की, उन्होंने बर वक्त हमारी रिक्वेस्ट को कबूल की और जितनी वहाँ हो सके उन्होंने हमारी कोशिश की हमारे लिए। इंडिया के जितने भी लोग हाई कमान के लोग बैठे हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम कराची के रहने वाले, क्या कहना चाहेंगे आज आप वापस जा रहे हैं? कितनी देर बाद? 3 महीने हो गए हम लोग अब वापस जा रहे हैं। बहुत खुश है और सबके शुक्रगुजार हूँ कि हम अपने वतन जा रहे हैं। किस काम की वजह से आप यहाँ पे आए? हम यहाँ अपने बहू बेटे और अपने हमारे भाई भतीजे चाचा चाची सब रहते हैं, उनको उनसे मिलने आई थी। जानकारी देंदे पुलिस अधिकारी ने दस्या कि 179 पाकिस्तानी नागरिकां नूं मेडिकल जांच तो बाद पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा है। श्री सुरिंदरपाल सिंह परमार, IG बॉर्डर अमृतसर। श्री विक्रमजीत सिंह दुग्गल, IPS सीनियर पुलिस कप्तान अमृतसर देहाती वालों सानू इत्थे डिप्यूट किया गया जी। एज़ पर लिस्ट, एज़ पर रिकॉर्ड, अज 179 परसन जिहड़े आ उन्हां दा वीज़ा कन्फर्म हो चुका है। तो अज की डेट उन्होंने दी गई सी अलग अलग राज्यों तो जिहड़े आ 10 राज्यों दे विचों पंजाब दे अलग अलग इंडिया के 10 राज्यों तो 179 परसन जिहड़े आ उह इत्थे पहुँच रहे आ, कुछ पहुँच चुके आ ते कुछ आ रहे आ, जिन्हां नूं अज 10 बजे के करीब आफ्टर इमीग्रेशन सारे नूं उधर भेजा जाएगा। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਂਜਰ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਏ? ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਅੰਦਰ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। BSF ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਵਜੇ 1x1 ਪੈਸੰਜਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸਟਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਤੋਂ 0 ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਲੱਸ ਪੈਸੰਜਰ ਨੂੰ 0 ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਕ ਰੇਂਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਖਾਸ ਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, MP ਸਾਹਿਬਾਨ, MLA, DCC ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਬੂਥ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਟੀਸ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਕੱਲ੍ਹ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਧਰਮ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈਏ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈਏ। ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਵਟਸਐਪ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ, ਆਪਣੀ ਟੀਸ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤਾਈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 2 ਮਿੰਟ, 5 ਮਿੰਟ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੀਸ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੰਨਾਂ ਤਾਈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਪਾਉਣ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 50-60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀ ਅੱਜ 1,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ 45 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ,
उन्हां दा दुख मोदी साहब तो भुल गए पर लोगों के दिलों के अंदर वो टीस जरूर है। वह इन्हों याद कराइए भी उन्होंने बिना किराए भाड़े ले बसा दे ते रेलवे के जरिए उन्होंने अपना घर पहुँचाना मोदी साहब का फर्ज बनता धर्म बनता उन्होंने याद कराइए। तो जेडे साडा छोटा व्यापारी है चाहे दुकानदार है चाहे चाह बनाने वाले जेडे साडे ढाबे है चाहे वह रेहड़ी वाला है चाहे वह छोटा व्यवसायी है समॉल मीडियम जेडे इंडस्ट्रीज व्यापारी है उन्होंने अज पैसे की लोड़ है नारियां की लोड़ नहीं। इस करके आओ कल 11 तो 2 बजे इस सोशल मीडिया के राही इस बैरी सरकार के कन्ना दे विच अपनी आवाज़ पाइए। थोड़े सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला वालों की गई फायरिंग के मामले संगरूर अदालत वालों 4 पुलिस मुलाजमान की अगाऊ जमानत मंजूर कर ली गई है। फायरिंग मामले सिद्धू मूसेवाला सने 4 पुलिस मुलाजमान से सदर पुलिस थाना धूरी विखे मामला दर्ज किया गया। जानकारी देंदिया वकील समीर फट्टा ने दसिया कि 4 मुलाजमान वालों जमानत लई अर्जी दी गई सी जिस ते अदालत ने इन्हां मुलाजमान नूं अगाऊ जमानत दे दित्ती है। मामले की अगली सुनवाई 9 जून नूं होवेगी। असी 4 जिहड़े पुलिस मुलाजम सी उन्हां दी बेल लई अपलाई कीता सी एंटीस्पेटरी बेल लई बलकार सिंह जसवीर सिंह गुरजिंदर सिंह ते हरविंदर सिंह ये 4 की बेल लई असी एंटीस्पेटरी बेल लई अपलाई कीता सी जो उस जज ऑर्डर करते हुए मानयोग एडिशनल सैशन जज संगरूर सरदार गुरप्रताप सिंह वालों ये 4 मुलाजमान की इंटरिम बेल है जी इन्हों ग्रांट की गई है तो 9 जून लई अगली डेट फिक्स की गई है। साढ़े वालों मेन यही गल सी कि जी ये वीडियो वायरल हो रही है यदि ऑथेंटिसिटी हले पूरी नहीं है। इस तो अलावा जेडे उस वीडियो किसी भी पुलिस मुलाजम वालों किसी तरह की कोई भी फायरिंग होनी नहीं दिखाई दी। इस तो अलावा जो पुलिस मुलाजमान उपर मुकदमा दर्ज है उन्होंने जेडे हथियार सी एज इट इज़ प्रोपर तरीके पुलिस की कस्टडी में जमा हुए ने उन्हां वालों किसी भी तरह की कोई उन्नताई अपनी ड्यूटी नहीं की गई। कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अकाली आगू विक्रम अजीठिया सने दलजीत चीमा नूं भी निशाने ते लिया है। झोने के बीजा के मामले पुछे गए सवाल का जवाब देंदिया सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि खेतीबाड़ी विभाग के सवाल का मुख्यमंत्री साहब आप जवाब देंगे। इस दौरान रंधावा अपनी ही सरकार की कारगुजारी से सवाल खड़े करते भी नज़र आए। सरदार सत्याजीत सिंह मजीठिया लोगों को सिक्ख्या दे रहे हैं कि बचो चंकी जबान बोलो चंगा पढ़ो तो मेरा ख्याल उन्हें अपने घर वाल इस अपने तोतले बच्चे लाड़ प्यार से कोई चंकी गल नहीं दसी यो कह के तू तोतली जबान से हर बंदे दे अगेंस्ट बोल ते नाल ही मैं अपने मिनिस्टर साहब नूं कहांगा कि अमृतसर दे विच पागलखाने नूं जरूर उत्थे करा दाखिल जरूर करा कि बेड़ा जिहड़ा बिना सिर पैर तों मैनूं ते दो चीज़ां दा शक है जां ते मैंटली अपसैट हो गया ते जां इह चिट्टा ज़्यादा लैण लग पिया सूटा ज़्यादा लगता मैनूं पता नहीं लगता मैं बोलना की है। तो उहो जिहा इक नाल नाल लोहड़ी मंगण वाला साढ़े जिले का दलजीत सिंह चीमा वो जिते मर्जी बह जाता तो उत्थे ही वो सोले गाउण लग पैंदा उन्हूं भी थोड़ा जिहा कोई सोचना चाहिए। लेकिन रंधावा साहब तुहाडे ते ही गरारी क्यों अटकी हुई है हर मामला तुहाडे ते लैके आंदे ने। सुनो मेरी गल सुनो जिहड़ा बोलेगा जिहड़ा इन्हां दीआं गल्लां दे इन्हां दे अगे खड़ा होएगा जिहड़ा इन्हां दीआं करप्शनां दे अगेंस्ट बोलेगा हमेशा उहदे ही दुआले होया जांदा। ये मैं बोलांगा मैं बरगाड़ी के अगेंस्ट भी डट के इन्हों का बोला कि कातल ने इन्होंने बरगाड़ी के पूरी शमूलीयत है इन्हों की इनवॉल्वमेंट है इन्हों की। प्रकाश सिंह बादल 40 दिन क्यों नहीं अंदरों बाहर निकलिया प्रकाश सिंह बादल इस भैन तो भरा ने क्यों बंदी बना लिया इस वे बंदी आ इन्हों दोवें अपने मुंडे के साले का और अपनी नौ का वो उत्थे होस्टेज करते रखे उन्होंने क्यों सुखबीर बादल क्यों पंजाब छड़ के चला गया और ये चीज़ा सारिया बड़ी तुम हौली वेखो कि निकलदियाँ हो गया कि इन्हों की किया। मैं चिट्टे के अगेंस्ट भी बोलाँगा मैं इन्हों की जी ट्रांसपोर्ट के अगेंस्ट भी बोलाँगा मैं जोड़ा बैबल कलां के उत्ते ठोक के पहला भी मेरा स्टैंड रहा हूँ भी मेरा उ ही है। हम एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट का मुख्यमंत्री साहब जवाब देने बदकिस्मती ये है कि इन्ने दिन केस दे गया मैनू फाइनैशियल कमिश्न ऑफ डिवेलपमेंट जो एग्रीकल्चर एक बार नहीं टैलीफोन आया कि मंत्री जी थोड़े तो एरिए आ स्कैम आया तो ये बारे की होना चाहिए। मैनू डी जी पी का नहीं आया मैनू डायरैक्टर एग्रीकल्चर का नहीं आया मैनू सीड सर्टिफिकेशन का नहीं आया तो जब मैं पता ही नहीं तो तुम जाके सी एम साहब पुछो प्रेस वाले तुम जाके एग्रीकल्चर सैकटरी पुछो विश्वजीत खन्ने दसो जी आया थोड़े मंत्री के अगेंस्ट जो नहीं इनकुआरी हुई डी जी पी पुछो कि 5-10 दिन हो गया
इस एफ आई आर नूं क्यों अजे तक इहदे ते एक्शन लिया नहीं लिया गया। सिट बनाउण दी ते लोड़ ही नहीं। दो चीज़ां वेखणियां ने कि तुहानूं सीड गया वोचर जिहड़ा उत्थों फड़िया गया उहदा वोचर उत्थों चुक लैण उत्थों देख लैण ते इंटरोगेट करना अपने आप। जे यार असीं टैररिस्ट फड़ सकदे हां असीं गैंगस्टर फड़ सकदे हां की गल असीं ये नहीं फड़ सकते जिहड़े पंजाब दे किसानां नूं लुट रहे ने ते जिन्हां ने पंजाब दी किसानी खत्म कर रहे। कोरोना के कारण वड्डी गिनती च प्रवासी भारतीय विदेशों तो भारत परत रहे हैं। जलंधर पहुंचे प्रवासी भारतीयों ने सरकार ते उन्हां दी सहूलत लई सुचजे प्रबंध ना करन दे इल्जाम लगाए ने। बर्मिंगम तो जलंधर पहुंचे प्रवासी भारतीयों ने दस्या कि एयर इंडिया ते प्रशासन वल्लों खाण पीन का कोई प्रबंध नहीं किया गया। सानू कई घंटों तक लाइनां च खड़े रखा गया। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਲਾਇਨਾਂ ਚਲਾਇਆ ਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਏਅਰ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬੈੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਠੰਡੇ ਬੈੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋ ਬੋਤਲਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਆ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਸੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਭੁੱਜ ਗਏ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹਿ ਗਈ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਥੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ ਆਉਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਕਰਾਈਏ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਕੀ ਐਡਰੈਸ ਆ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਲਿਆ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਾਈ ਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ? ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ? ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇ। ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੀਸਾਂ ਦਾ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ 13,000, ਕਿਸੇ ਦਾ 39,000, ਕਿਸੇ ਦਾ 25,000 ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਡਿਆ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣ? ਤੁਹਾਡੀ 10 ਰੁਪਏ ਜੂਨ ਦਾ ਉਹ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ 10 ਰੁਪਏ ਜੂਨਡ ਤੋਂ ਆ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਜੂਨਡ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਮਈ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੌਸਮ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹਲਕੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਵਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਮਈ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੌਸਮ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ,
जिस दे कारण पंजाब दे कुछ हिस्सों च हल्की बरसात होने की संभावना जताई जा रही है जो गर्मी तो राहत दवाएगी। जो हमें इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से फोरकास्ट आई है उसके हिसाब से पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे हैं कि गर्म लू चल रही है, इसमें तापमान जो है 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इवन 44-45 तक भी पंजाब में कई जगह पर रिकॉर्ड किए गए हैं। सो ये आने वाले भी 24 घंटे तक मौसम इसी तरह रहने की फोरकास्ट है। मैम, अगर हॉट वेव्स को लेकर बात की जाए कि जो लू चल रही है, लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसी लू जो है जारी रहेगी, लोगों को थोड़ा बच के रहना चाहिए इस लू से? जी, अभी 24 घंटे तक तो इसी तरह की कंडीशंस की फोरकास्ट है। इवन हमारे यहाँ लुधियाना की ऑब्जर्वेटरी में कल 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था और अभी आज भी इसी तरह की फोरकास्ट है। ये जो गर्मी पड़ी है 3-4 दिन लगातार से, उससे एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रही है पंजाब की तरफ, उससे लोगों को थोड़ा राहत मिलेगा और 28 से जल्दी ये एक्टिव हो जाएगी और उसके बाद 29 और 30 की पूरे पंजाब में लाइट रेनफॉल की फोरकास्ट है। लुधियाना तो रजिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट, D5 चैनल पंजाबी। जाने तो पहले एक नज़र हुण तक दीआं मुख सुरखियां ते। मुख सकत्तर ते कांग्रेस दे मंत्रियों दे दरमियान चल रहा विवाद होया खत्म। मुख सकत्तर करन अवतार सिंह ने पंजाब मंत्री मंडल दी मीटिंग च मंगी माफी। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने जानकारी कीती सांझी। लॉकडाउन दे कारण भारत च फसे पाकिस्तानी नागरिकां दी हुई वतन वापसी अटारी वाघा सरहद राही। पाकिस्तान परते पाकिस्तानी नागरिक वापस जाण तों पहलां भारत सरकार दा कीता धन्नवाद। पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ ने समूह देशवासियों नूं कीती अपील, कहा कल सवेरे 11 बजे तो लैके दोपहर 1 बजे तक सोशल मीडिया राही केंद्र सरकार तक पहुँचाई जाए आवाज़। गरीब अते जरूरतमंद लोगों के खातों च 10,000 रुपए पवाए केंद्र सरकार। इस बुलेटिन फिलहाल इन्ना ही, मैनू यानी धर्मेंद्र संधू दो इजाजत, धन्यवाद।